हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग हेडफोन के बारे में, जो चीज गेमर्स के लिए बहुत ही मायने रखती है। अगर आपको पूरा का पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस लेना है तो हेडफोन जरूरी है गाइस आपके लिए, और आपका बजट लो है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। इसमें हम 5 हेडफोन की बात करने वाले हैं और सभी की प्राइस 2000 अंडर रहने वाली है, और साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी इस पांचों हेडफोन में। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरू। तो वेलकम टू माय चैनल जेबी टेक्निकल एंड गेमिंग पॉइंट। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वेलक्रो केबल देखने को मिल जाती है, सुपर साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाती है, वाइब्रेशन सिस्टम देखने को मिल जाती है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी वो मैंने जैसे बताया कि सुपर साउंड क्वालिटी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी है। और अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आप इसका उठा सकते हो। ईयर पैड है जो सुपर ईयर पैड आपको देखने को मिल जाती है, आप कितने भी टाइम तक हेडफोन यूज कर रहे हो तो अनकंफर्टेबल नहीं फील करोगे। और प्राइस के हिसाब से ये जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि प्राइस के हिसाब से मिलने ही चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो 1631 रुपीस है, तो प्राइस के हिसाब से आप ऑब्वियसली आपको ये फीचर्स मिलने ही चाहिए। और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, उसकी तो क्या बात करें। तो ये जो हेडफोन है अगर आपको पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप खरीद सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं भूल गया, इसमें एलईडी लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। एलईडी लाइट्स क्या होता है दोस्तों, गेमिंग हेडफोन का जो इफेक्ट है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा गेम इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है लाइट्स की वजह से। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे हेडफोन के बारे में, जो आ जाता है कॉस्मिक की तरफ से, कॉस्मिक बैट स्पाइडर। दोस्तों इसके जो नेम है उसकी उस पर ही उसकी डिजाइन बनाई गई है, स्पाइडर डिजाइन देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छी लुक देती है डिजाइन। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसके डिजाइन जैसी है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। माइक क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, माइक एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाता है, एलईडी लाइट्स के लिए अलग से यूएसबी इनपुट देखने को मिल जाता है, कुशन क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। और ये जो हेडफोन है वो सपोर्ट करता है PS4, PC, Xbox और टेबलेट्स और मोबाइल्स में ये सपोर्ट कर जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो और इसकी प्राइस की बात करें तो ये इसकी प्राइस जो आ जाती है वो 1195 रुपीज इसकी प्राइस दी गई है। बात करते हैं हमारे दूसरे हेडफोन के बारे में, जो आ जाता है रेड गियर की तरफ से। तो दोस्तों इसमें माइक क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और कुशन क्वालिटी तीनों अच्छी देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको एडजस्टेबल माइक नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको उसके सामने आरजीबी लाइट्स देखने को मिल जाती है, तो बहुत अच्छी इफेक्ट देती है। और इसकी प्राइस के हिसाब से मुझे मैक्सिमम फीचर्स लगे इसमें, क्योंकि इसकी प्राइस है 915 रुपी आपको अवेलेबल हो जाता है इंडियन मार्केट में, और इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो फटाफट से आप इसे खरीद भी सकते हैं। बात करते हैं हमारे आखिरी और पहले हेडफोन के बारे में, जो आ जाता है कॉस्मिक बैट की तरफ से H3। दोस्तों इसमें जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, माइक आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, माइक क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, और इसका जो लुक है दोस्तों बहुत गेमिंग वाला तगड़ा लुक देखने को मिल जाता है आपको, और इसका जो कुशन क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत तगड़ी मिल जाती है, वॉल्यूम रॉकर आपको देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, PS4, Xbox, मोबाइल और वगैरह वगैरह में आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हेडफोन है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1400 रुपी में इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो आज के
लिए सिर्फ इतना ही। आपको इसमें से कौन सा हेडफोन बहुत पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोई भी हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।